हेलो, हमारी ये वीडियो जो है वो पेइंग स्लिप के रिगार्डिंग है। इसमें जो एजेंट लोग हैं वो इस तरह से एक स्लिप भरते हैं, मैनुअली बनाते हैं ये स्लिप, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू ये जो स्लिप है वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे शेड्यूल बना लिया आपने, उसके बाद ये स्लिप इस तरह से ऑटोमेटिकली निकल के आ जाती है। बस इसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम आप बनाते हैं पेइंग स्लिप के लिए, तो उसमें ब्रांच नेम आपको डालना पड़ता है। और इस तरह से जैसे यहाँ पे ब्रांच नेम आ गया, ये रेफरेंस नंबर आ गया, कितनी पासबुक का शेड्यूल है वो आ गया, और जैसे इसमें नाम आ गया जिनकी DOP ID है, और इसके अलावा यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चार्जेस और रिपेट क्या चार्जेस आ रहे हैं, और इसके साथ में यहाँ पे अमाउंट की डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरह से ये जो स्लिप आ रही है इसमें डिफ़ॉल्ट के चार्जेस आ रहे हैं, रिबेट के चार्जेस आ रहे हैं, और यहाँ पे टोटल अमाउंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिफ़ॉल्ट है वो आपका इसमें ऐड हो के आए और रिबेट आपका कट के आए, तो इसके लिए भी अलग अलग ऑप्शन है। तो यहाँ से आप जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप दोनों चीज़ें नहीं चाहते रिपोर्ट में, तो आप नो नो कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ डिफ़ॉल्ट चाहते हैं और रिबेट नहीं चाहते, तो आप इसको यस नो कर सकते हो। और अगर सिर्फ आप रिबेट चाहते हैं और डिफ़ॉल्ट नहीं चाहते, तो आप नो यस कर सकते हो। और अगर दोनों चीज़ें ही आप उसमें चाहते हो कि आपके जो टोटल अमाउंट है उसमें लग के आए दोनों चीज़ें, तो आप दोनों यस यस कर सकते हो। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव सेटिंग पे क्लिक करना होगा, ताकि ये जो सेटिंग है वो आपके परमानेंटली सेव रहे, ताकि जब भी आपकी जो स्लिप निकले उसमें ये इस इन सेटिंग के अकॉर्डिंगली आपका जो टोटल अमाउंट है वो आ जाए। वैसे ये जो स्लिप है वो आपके ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर निकाल देगा जब भी आप शेड्यूल बनाओगे। उसके बाद ऑप्शन आता है कि आप निकालना चाहते हो स्लिप या नहीं, तो वहाँ पे आप यस कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी स्लिप। लेकिन अगर आपको कभी ये मैनुअली निकालनी पड़ जाए, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है समरी रिपोर्ट का। सो समरी रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेली समरी का डाटा निकालना होगा, तो इसके लिए इस पर क्लिक करना होगा, ताकि इसका डेली का जो आज का जो आपने शेड्यूल बनाया उसका डाटा यहाँ पे इस तरह से आ जाए। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर सकते हो, तो आपके पास स्लिप आ जाएगी। सो इस तरह से यहाँ पे स्लिप आ गई। अब ये जो पेइंग स्लिप है ये हमारे पास तीन तरह से निकाल देता है, वो भी मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। सो इस तरह से यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे ब्रांच का नेम में कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और जैसे स्लिप में अगर आपने इसको टुडे सेलेक्ट किया हुआ, तो जिस दिन भी आप शेड्यूल बनाओगे उस दिन की डेट वहाँ पे आ जाती है ऑटोमेटिकली। अगर आप चाहते हो कि वो ब्लैंक ही रहे, ताकि जिस दिन भी आप सबमिट करवाओ वो लॉट उस दिन की डेट आप खुद ही डाल पाओ, तो उसके लिए आप इसको ब्लैंक सेलेक्ट कर सकते हो। और इसमें जैसे ये काउंटर फॉयल का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें काउंटर फॉयल का ये है कि स्लिप जो है वो तीन तरह से निकाल देगा। एक तो अभी जैसे मैंने आपको बताई जिसमें काउंटर फॉयल नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वो जो स्लिप है वो काउंटर फॉयल के साथ निकाल दे और लंबे पेज में निकाले, मतलब आपको बड़ा करके दिखाए ये, तो उसके लिए यस लैंडस्केप का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें अभी मैं आपको बता देती हूँ। सो लैंडस्केप मोड में इस तरह से स्लिप आ जाएगी, तो यहाँ पे ये आपको लैंडस्केप मोड में दिखा रहा है। और इसमें क्या होगा कि ये जो स्लिप्स हैं, जो भी शेड्यूल आपने बनाए होंगे, एक पेज पे दो स्लिप आपको दिखाएगा, ये दो स्लिप आपके एक पेज पे निकल जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पे काउंटर फॉयल भी आ रहा है और यहाँ पे बाकी की जो स्लिप है वो भी काफ़ी बड़ी दिखा रहा है आपको। और यहाँ पे देखिए अभी जो डेट आ रही है वो ब्लैंक आ रही है, क्योंकि हमने ब्लैंक उसको सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा इसका एक नेक्स्ट ऑप्शन है यस पोर्ट्रेट, मतलब आपका वो काउंटर फॉयल के साथ भी दिखा है लेकिन वो पोर्ट्रेट मोड में दिखाए, तो इसके लिए यस पोर्ट्रेट पे क्लिक करना होगा। सो पोर्ट्रेट मोड में इस तरह से आपके पास स्लिप आ जाएगी, काउंटर फॉयल भी आ रहा है साथ में स्लिप है, बट ये पोर्ट्रेट मोड में है। और इसमें क्या होगा कि एक पेज पे तीन स्लिप आपके जो है वो निकल जाएंगी इस तरह से। और अगर हम काउंटर फॉयल नो कर देंगे, तो इस तरह से विदाउट काउंटर फॉयल के इस तरह से स्लिप आ जाएगी, और ये स्लिप आपको वो एक पेज पे तीन स्लिप निकाल देगा। सो आपको स्लिप मोड जो भी चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसको आपने यहाँ से सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना, ताकि आपके जब भी शेड्यूल बनाओ ऑटोमेटिकली जो स्लिप आए जो आपने सेलेक्ट की है यहाँ पे, वही स्लिप आपको निकाल के देगी। तो यहाँ पे सेव सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेव का, ओके कर देना आपने। सो अभी हम आपको ना एक शेड्यूल बना के दिखा देते हैं इसमें। तो इस तरह से शेड्यूल बनाने के बाद यहाँ पे पेइंग स्लिप का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको यस कर सकते हो अगर आप पेइंग स्लिप लेना चाहते हैं।
हमने जैसे इसमें सेटिंग करके रखी थी विदाउट काउंटर फॉयल के, तो इस तरह से इसने स्लिप जो है वो विदाउट काउंटर फॉयल के निकाल दी है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो समरी रिपोर्ट पे चेंजेस कर सकते हैं।